ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਸੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਪੇ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੂੰ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। सुरेंद्र जी, आप डडुमारा कॉलोनी में रहते हैं। हाँ जी सर। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? जब से कॉलोनी बनी है सब, जब से रह रहे हैं। अब तभी से रह रहे हैं। हाँ जी। तो इस कॉलोनी की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले बहुत लंबे समय से अटकी हुई हैं और वो उनका हल ही नहीं हो रहा, उनका सोल्यूशन ही नहीं हो रहा? मैन तो डंपिंग रोड है, कभी इसका हल हुआ नहीं। आश्वासन देते हैं लेकिन करता कोई नहीं कुछ इसका। और ये गुग्गा माड़ी पे कोई साफ सफाई नहीं करता सर, यहाँ पे डंगर फालतू सब कुछ घूमते हैं, कोई सफाई नहीं करता। सफाई मैं ही करता हूँ, बाकी इनको बोलते हैं जो सफाई कर्मचारी गए, हमारी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। और कोई समस्या जो आपको लगता है? समस्या सर ये मच्छर, गंदगी इतनी है, बारिश आती है तो डंपिंग रोड से गंदा पानी आता है सर। बाकी किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को दिमाग की प्रॉब्लम है। विनोद कुमार जी, कितने समय से चंडीगढ़ में रह रहे हैं आप? यहाँ तो हम जब से 79 में ये कॉलोनी बसी है तब से ही है, और उससे पहले भी 10-15 साल हो गए थे। अच्छा भाई साहब, इस कॉलोनी की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हर 5 साल बाद लीडर आते हैं, आपको आश्वासन देते हैं लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं, आपके लिए वो समस्याएं कभी हल ही नहीं हो रहा उनका? है सर, एक तो ये डंपिंग ग्राउंड है जी, ज्वलंत मुद्दा है जी, आज तक इसका किसी ने हल नहीं किया। हर पार्टी के आते हैं, काउंसलर्स का वोटिंग होती है, MP के भी होते हैं, हर बार पार्टी अपने एजेंडे में बताती है कि हम ये करेंगे, इसको उठा देंगे, ये रिमूव कर देंगे। बच्चों के लिए पहले प्लेग्राउंड था ये, लेकिन अब देखो वहाँ कितनी हीप है, बहुत ऊंची पहाड़ बना हुआ है जी। और जब खासकर रात के टाइम जब हवा का रुख इस तरफ होता है, साउदर्न साइड की तरफ जी, उस टाइम तो मैं कहता हूँ जीरा दुर्ब हो जाता है, हमें हम सोचते हैं कि हम कहाँ पड़े जी। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा सबसे बड़ा ये है, और दूसरा सड़कें यहाँ नहीं बनाते। अच्छा ही। जैसा हम चंडीगढ़ भी घूमते हैं, हाँ जी, यहीं रहते हैं, हर वार्ड में देखते हैं इनसे अच्छी सड़कें हैं, यहाँ टूटी हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा करेंगे पैचवर्क कर देंगे। दो ही है, बाकी बिजली पानी तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, सबसे बड़ी समस्या जो है वो डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग तो क्या आपका सजेशन क्या है इसके लिए भी? ये डंपिंग ग्राउंड देखो कहीं तो ये कूड़ा जाएगा, तो क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में? सर सोल्यूशन बहुत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, सबको पता होता है इसका क्या हल हो सकता है जी। मैं कहता हूँ पंजाब हरियाणा है, वहां से 5-7 एकड़ जमीन लो, आप उसमें गड्ढा खोद दो 100 फीट नीचे, डालो जितना मर्जी 20 साल डाल लो, उनको लीज पे लो जमीन, उनको पैसे दो लीज पे लो, 50 साल डालते रहो, ये उठ जाए, यहाँ कुछ प्लेग्राउंड बनाओ, रास्ते बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लीज पे मिल सकते। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, आप कितनी देर से चंडीगढ़ में रह रहे हैं? 18-19 साल से। 18-19 साल से। आपकी जो कॉलोनी है ये डडुमाजरा कॉलोनी, इसमें ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपकी नजर में कि जो पिछले काफी लंबे अरसे से अटकी हुई है, लीडर हर 5 साल बाद आते हैं, आपको आश्वासन देते हैं और इसके बावजूद भी वो जो समस्याएं हैं वही की वही है? सर 10 साल से मैं 10 साल से वोट दे रहा हूँ, 2 इलेक्शन में वोट दे चुका हूँ, जिसमें खत्ते की बहुत डिमांड होती है कि बंद कराएंगे, आज तक अभी बंद नहीं हुआ है। इससे दमा, हार्ट, बच्चों को भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और खारिश, बाल उड़ रहे, जो बड़ी दूर दूर जाके इलाज कराना पड़ता है। मेरा नाम दयाल कृष्ण है और मैं डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ डडू माजरा से। डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष, अच्छा, आप प्रेजिडेंट हैं इसके? यस बिल्कुल। तो भाई साहब ये कितने समय से ये सारी दिक्कत है आपको? देखिए 79 में ये कॉलोनी अलाट हुई थी, हम जब आए थे बड़े छोटे छोटे थे, तब कचरा गिरा करता था, थोड़ा दूर गिरा करता था जहाँ पर इनका प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे, तो हमारी आंखों के सामने देखते देखते यहाँ पर बड़े बड़े कूड़े के पर्वत बन गए। हमारे फादर साहब और वो अस्थमा की मदर, अस्थमा की वजह से उनकी डेथ हुई है, एक पीढ़ी निकल गई है, दूसरी हम 30-40 साल से इस नरके जीवन को झेल रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करा, 100 करोड़ से ऊपर इस कूड़े के रख रखाव पर लगा दिया, लेकिन यहाँ डड्डू माजरे के निवासियों को रत्ती भर भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। 66 करोड़ एक बार, 33 करोड़ एक बार,
और अब 400 करोड़ दूसरी बार। फिर MRF सेंटर भी बनाए, कितने सारी गाड़ियां नहीं आई, गली गली से कूड़ा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन गेरना तो हमारे घर के सामने शुरू कर दिया, जिससे ये अभी बोल रहे 30 अप्रैल को, पीछे गवर्नर साहब 2 महीने पहले कंपोस्ट प्लांट के उद्घाटन पे आए थे, तो हम भी गए थे, उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल के बाद आपको 30 अप्रैल को एक भी कचरा को डंपिंग ग्राउंड में दिखाई नहीं देगा। हम तो इंतजार कर रहे थे, गवर्नर साहब ने कहा मैं दौरा भी करूँगा, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब कचरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने ही है कि वो ढेर, एक ढेर ख़त्म किया उसके पीछे दूसरा ढेर हो गया। तो ये आश्वासनों का जो दौर है पिछले 30-35 साल से चल रहा है जी। जब इलेक्शन आते हैं, वोट का टाइम होता है, फिर सबके अलग अलग विचार होते हैं कि हटा देंगे, हटता नहीं है सर। बदबू इतनी है, भयंकर बीमारियां लगी हुई है, स्किन के ज़्यादा मरीज है, अस्थमा के हैं, कैंसर के हैं, और सबसे जो इसके साथ एक अभिशाप हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं होते। वो अगर इनसे पूछे ना, वो हमारे को विरासत में ना, अगर आप कहते बदबू नहीं आती, अरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, कहाँ जाएंगे वो लोग, इन मकानों को बेच नहीं सकते, दूसरी जगह खरीद नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। भाई साहब देखिए, शहर का कूड़ा कहीं तो जाएगा, तो इसका सलूशन क्या है आपकी नज़र में, आप क्या सोचते हैं, हल क्या है इसका? हल है ईमानदारी, अच्छी सोच। अगर ऑफिसर है ना जो IAS बन के 3-3 साल के लिए आते हैं ना डेपुटेशन पे, अगर उनकी सोच अच्छी हो ना, तो इसका हल हो सकता है। 3 साल के लिए बनाते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं कि ये 33 करोड़ 34 करोड़ 1 करोड़ 400 करोड़ खा लेने हमने, उसके बाद वो चले जाता है, दूसरा आता है, वो नई सिरे से अपनी ड्राइंग, अपना नक्शा तैयार करता है, अपना मैप तैयार करता है, उसी में हम पिसते जा रहे हैं। अगर ये अच्छे इंसान, अच्छे ऑफिसर इस पे काम करें ना, भाई साहब बहुत सारे इंदौर में बिल्कुल साफ हो गया, उनका तो डंपिंग ग्राउंड इससे बहुत बड़ा था, उन्होंने पता नहीं कितने हजारों मैट्रिक टन कचरा साफ करके रख दिया, और वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन गया, लोग जाते हैं, एक टिकट लगती है और सेल्फी खिंचाते हैं वहाँ पे। तो ये तो कुछ भी नहीं है, 45 एकड़ जमीन है ये, 45 एकड़ जमीन में तो इतना कचरा, चंडीगढ़ प्लान सिटी है। नहीं, यहाँ सरकार कह रही कि हमने प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं, MRF का भी प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो वो क्या वो सब बेकार है जी? वो देखे MRF सेंटर में क्या होता था, लगा दिया, करोड़ों रुपए लग गए, गाड़ियाँ जाती हैं एज इट इज़ वहाँ कचरा गिरा देती हैं, फिर उनकी बेल्टें टूटी होती हैं, 4 इन्होंने MRF सेंटर बनाया है, 34 करोड़ रुपया उधर लग गया, ठीक है, उसके बाद बेल्टें वो काम नहीं कर रही, वो डायरेक्ट कचरा ट्रालियों में भर के फिर डंपिंग यार्ड में आता रहा। तो ऐसे MRF सेंटर बनाने का फायदा क्या हो, जब वहाँ पे उसका कुछ हल ही नहीं हुआ, वो कहते हैं हम अलग अलग कर रहे हैं, क्या अलग अलग कर रहे हैं, जो वेंडर गली गली में आते हैं वो प्लास्टिक पोलोथीन सारा कुछ पहले निकाल लेते हैं, वहाँ क्या अलग अलग हो रहा है, वहाँ तो सिर्फ गीला कचरा और सूखा कचरा, उसको सीधा डायरेक्ट उठा के डंपिंग ग्राउंड भी घेर देते हैं। अब जो एक और उठाते अलग अलग है, यहाँ आगे इकट्ठा डाल देते हैं, इकट्ठा डाल देते हैं सर आप कचरे को। इसके लिए तो सरकार बड़ा अवेयर कर रही है जी, बड़ा बहुत बड़े बड़ी एड्स आ रही है कि गीला कूड़ा अलग डालो, सूखा अलग डालो, इवन चंडीगढ़ में जो कलेक्शन करते हैं कूड़े की, वो भी बोलते हैं गीला अलग डालो, सूखा अलग डालो, तो यहाँ सब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होता है जी, चंडीगढ़ में हर पार्कों में पिट बनाई गई है कि जो पत्ते होते हैं उनकी खाद बनानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यहीं पे आ रहे हैं, तो वो खाली को, वो जो उस पर इतना पैसा खर्च हुआ है, जो पिट बनाई थी इन्होंने, वो जीरो है। EM सॉल्यूशन का छिड़काव होता है, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख डेली का खर्चा है उस पर, एक भी ट्रॉली सवेर से शाम तक खड़े हो जाए ना, EM सॉल्यूशन का यहाँ पे छिड़काव ही नहीं हो रहा है, बदबू तभी तो इतनी फैल रही है। इतना पैसा डंपिंग रोड के नाम से जो पास किया जाता है, ऊपर से आता है, कोई ऑडिट नहीं होता उसका, ये जाता है। कंपोस्ट प्लांट भी तो लगाया था इन्होंने, कंपोस्ट प्लांट में हो नहीं रहा, वो जो इधर ये प्रोसेसिंग जो इन्होंने अभी वो कर रखा है, बायो माइनिंग चल रही है ना, उस बायो माइनिंग का जो नैस है वही चक्की यहाँ पे रख देते और कह रहे कंपोस्ट प्लांट बन गया। देखो जी, ये कंपोस्ट प्लांट कर क्या रहा है? तो आपकी जो डंपिंग ग्राउंड जॉइंट एक्शन कमेटी आपने बताई, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोगों का प्लान क्या है, आप क्या एम लेके चले हुए हैं? देखिए ऐसा है कि आश्वासन बहुत हो गया, आप जो भी प्रत्याशी कहते हैं ना, लोकल खड़े हुए हैं, हम भी लोकल को टिकट दी है ना, पिछले 40 साल से हमने नहीं देखा कि उन्होंने डंपिंग ग्राउंड के बारे में कोई आवाज़ उठाई हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी को लेटर लिखा हो, गवर्नर को या राष्ट्रपति को अप्रोच की हो, हमने नहीं देखा। लेकिन वो उनसे मैंने प्रार्थना की है कि वो डड्डू माजरे आएँ और यहाँ हमें बताएँ कि वो किस तरह से इसको साफ करेंगे, वो खत्म कैसे करेंगे। वो तो कह रहे खत्म हो गया, अगर वो कह रहे खत्म हो गया तो देख तो ले आके भी कौन सा खत्म हो गया, हम दिखा रहे हैं उनको खत्म हो गया कि नहीं हो गया। मैनू तो 50 साल हो गए चंडीगढ़ च, लेकिन ये जी जिथे जदों मकान साढ़े फादर नू अलाट होया सी 79 च 1979 च, तो मैं उदो 14-15 साल का सीगा,
तो हूँ मेरे भी बच्चे हो गए, बच्चों के गांह भी बच्चे हो गए, पर कूड़े के ढेर हाले तक उवें ही चली जाते हैं। तो अगे नालों कटे नहीं वधे ही नहीं, ठीक है। बदबू बहुत ज़्यादा, साढ़े मादर फादर सारे बीमार ही नहीं, तो महल च लगभग हरेक घर च एक दो जी जड़े ना बीमार ही चल रहे हैं। की बीमारी की होंगी ज़्यादा इस बार? साह की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, अखा की प्रॉब्लम, क्योंकि गंद बहुत ज्यादा, अखा भी नहीं बर्दाश्त कर दी, हरेक तरह की समस्या ही है, पोल्यूशन बहुत। पोलीटिकल पार्टियां वाले आखिर की कहते हर बार जो भी इलेक्शन होंगे पोलीटिकल पार्टियां वाले आते हैं तो की तुम आश्वासन की देंगे? आश्वासन यही देंगे भी आज की असी दूजी पार्टी आ उन्होंने कुछ नहीं किया, असं करा सू वोटा पाओ, असं वोटा पा दें फिर कुछ नहीं होंगे। बबलू जी क्या समस्या है डड्डू माजा कॉलोनी जी? डंपिंग ग्राउंड की वजह से कूड़े के वजह से हमारे बहुत तकलीफ होती है। मैं वैसे हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ से मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, मेरे सांस लेने में दिक्कत बहुत आती है, मैं यहाँ से मजबूरी में रहना पड़ रहा जी। घर बेच के दिक्कत हुई आपको डंपिंग ग्राउंड की वजह से? डंपिंग ग्राउंड की वजह से नहीं। अच्छा जी, बाकी मैं कोई नशा पत्ता कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। नशा पत्ता बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता मैं, ठीक है। इसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, सांस की प्रॉब्लम होगी मेरे को, फिर मेरे को बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, अपने वाल्व चेंज करानी पड़ी मेरे। की समस्या की है थोनू इत्थे? मैं हुण मेरे सारे ही तुर गए इत्थों, एक खत्ते की वजह नाल मेरा सोहरा भी तुर गया, मेरी सस भी तुर गई, सारे तुर गए। आने वाली नस्ल नूं देख रहा मैं हुण कि इह किद्दां हुण पलेगी अगे, कि साडी क्या जिंदगी है अगे, साड़ी क्या जिंदगी है, क्या लाइफ है, कुछ नहीं है। अहीं तां अपनी कट ली, हुण अगे नसल दी ते कम से कम थोड़ा बहुत केयर करे गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट तां कहिंदी है जी असीं हल कर रहे हैं, सारा खत्ता जिहड़ा है, सारा डंपिंग ग्राउंड साफ करता, क्लीयर कर दिता है, और यह कुछ भी नहीं होया इत्थे। सानू उन्नी स्मैल हुण भी आंदी है, हुण दरवाजे बंद करके सोईदा आराम नाल, क्या करिए हुण? गवर्नमेंट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 78 ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੂੜੇ ਬਾਰੇ ਖੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤੇ, ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤੇ, ਐਮਆਰਐਫ, ਹਾਂਜੀ शुक्र करो इन अग नहीं लग रही, जे कि अग लग गई तो धुआ सारा अंदर ही है। अच्छा जी, इन्हों अग भी लग जाती है जी? हाँ जी, अग लग जाती है। अच्छा जी, सामने कदी मंग रखी नी? रखदे ही मंग रखी है जी, मंग यही साड़ी मंग यही है। असं तो इतने दुखी हो गए हैं भी अगर गोरमेंट साढ़े प्लाटा का मुल पालवे ना तो असं उतो उठ के कितने होर पास चले आईए, जिन्ना असं इतने गंदगी दे विच रह रहे हैं, साढ़े बजुर्ग मर गए ने, इन्हों की डैथ हो गई है क्योंकि बीमारी के कारण ही हुई है। साढ़े माता जी जो ये खत्ता बनया अग लग गई से एक बार उन्होंने धुआं चढ़ गया, उन्होंने डैथ हो गई से इतने, और सरकार ने सानू कुछ भी वह मुआवजा ज कुछ इदा की कोई सहायता नहीं दी भी जा सहायता का की, चलो इस उठाई देंगे उसकी वजह ना, पर उत्थे उठाया नहीं, पर उत्थे साडे होर भी बेचारे परिवारिक दमे की बीमारी नाल, एक साडा परिवार सामने कोने घर रहिंदा है वो कैंसर की बीमारी नाल मर गया। ऐसे ते बेअंत दीयां बीमारियां इहदे नाल हो रहीयां ने, जिहदा नाल सानू बहुत नुकसान हो रहा है। समस्या ही समस्या ने, बिना समस्या तो है ही कुछ नहीं इत्थे जी। ते साडे इत्थे नेता भी आंदे ने, एमसी लीडर भी साडा इत्थे चंडी डड्डू मारे दा ही बंदा, मेयर भी साडे डड्डू मारे दा ही बंदा, बट सारे ही सर विकाऊ बंदे ने, कोई काम नहीं हुंदा जमीनी लैवल ते, कोई काम नहीं हुंदा सर। एक पासो चक्या जाता है, दूजे पासे ढेर लगाया जाता सर, इन्ना की है सर, एक है ना गोल्ड माइन है सर जिन्हों कैश करते हैं, इस तो अलावा कोई काम नहीं है सर। प्लांट लगते हैं बट सानू नहीं पता भी कि प्लांट किथे लगता है, वर्किंग कोई नहीं करता, कूड़ा उत्थों चक के दूजे पासे चले जाता है, इन्ना की कम होता सर, इस लेवल से कम है। बाकी तो भाजी खबर इतों तक भी आई थी कि जो डंपिंग ग्राउंड है बिल्कुल क्लीयर कर दिया गया, साफ कर दिया गया, फिर तो जा रहा है। अल्टीमेटम 30 अप्रैल का
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਹੋਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਵਰਥਲੈਸ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਕਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾ ਇਹ ਚੁਕਾਉਣੇ ਦਾ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਆਹ ਵੱਢੀ ਲਓ ਆਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੋ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਟੱਟੀ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਬਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 44 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਟਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੋਂ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਮੈਲ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਗਿਆ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਪਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਹੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਨੱਠਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ